गर्भावस्था के दौरान खाने पीने को लेकर बहुत सारी क्रेविंग्स गर्भवती महिला को होती है और इसी तरीके की एक क्रेविंग ठंडे पानी को लेकर भी होती है और गर्भवती फ्रिज का पानी भी पी लेती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि फ्रिज का पानी पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान फ्रिज का ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी पीने से क्या हो सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसा पानी पीना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। अगर गर्भवती इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीती है तो गर्भवती और गर्भ में पल रहे शिशु को कई समस्याएं हो सकती है। लेकिन बहुत बार गर्भवती महिलाओं का मन पानी पीने का नहीं करता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ठंडा पानी या फिर ज्यादा गर्म पानी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान फ्रिज का ठंडा पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से ठंडा पानी पीने से वायरल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर गर्भवती फ्रिज का ठंडा पानी पी लेती है तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, फ्रिज के ठंडे पानी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से सही से पाचन नहीं हो पाता और गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम गर्भवती को होने लगती है। दूसरा नुकसान है पाल्पिटेशन या एंजाइटी। जब कोई भी व्यक्ति फ्रिज का ठंडा पानी पीता है तो उससे प्यास बुझती नहीं है और फ्रिज का ठंडा पानी ज्यादा मात्रा में पिया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और पानी की कमी होने के कारण दिल का तेज धड़कना और एंजाइटी जैसी समस्याएं गर्भवती को होने लगती हैं। इसका तीसरा नुकसान है शिशु के डेवलपमेंट पर। ठंडा पानी पीने से आपको बहुत से नुकसान होते हैं जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है, उसके विकास पर पड़ता है। इसके अलावा फ्रिज का ठंडा पानी पीने से सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं गर्भवती को हो सकती हैं, और अगर आपको सर्दी खांसी या जुकाम की समस्या होती है तो आपको फीवर भी हो सकता है, और अगर आपको फीवर होता है तो उसका सीधा असर गर्भ में पड़ रहे शिशु पर पड़ता है और बहुत बार वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से गर्भ में शिशु का विकास भी रुक सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आखिर आपको कैसा पानी पीना है। तो आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ना तो ज्यादा ठंडा पानी पीना है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी पी सकती हैं या फिर हल्का गुनगुना पानी आप पी सकती हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मटके का पानी भी पी सकती हैं, क्योंकि मटके का पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये रूम टेम्परेचर जितना ही होता है। अब बहुत बार ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का पानी पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसे में उन्हें पानी का टेस्ट पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो चाह कर भी पानी नहीं पी पाती हैं। तो अगर आपका पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो आपसे जितना हो सके उतना आप पानी पिए। और इसके अलावा आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं, आप नींबू पानी का इस दौरान सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा पुदीने का पानी या जीरा पानी भी आप पी सकती हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके अलावा फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, ये भी आप प्रेगनेंसी के दौरान पी सकती हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी हेल्दी है और गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी इससे बेहतर तरीके से होगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर पानी पीने का मन नहीं करता है तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें भी आप आजमा सकती हैं। तो ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस तरीके का पानी पीना चाहिए, जिससे आप और आपके गर्भ में पल रहा शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।